खबरों में बने रहने के लिए अपना डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं ज्योति आप सबका अपना लाइव डॉट न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग का अपना हेल्थ का तीसरा एपिसोड है और तीसरे एपिसोड में हम अपने शहर के जाने माने डॉक्टर हिमांशु राय के पास बैठे हैं और ये बिहार में टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्मदाता भी हैं। तो आज हम लोग इनसे जानेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर हिमांशु राय जी से। सर, आपका अपना हेल्थ कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं आपसे जानने के लिए कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी उसे कहते हैं जिसमें कि औरत के शरीर से किसी भी कारणवश अंडों को, जो उनके एग्स होते हैं, उनको बाहर निकाला जाता है शरीर से और उनके हस्बैंड के स्पर्म से उसको बॉडी के बाहर में ही लेबोरेटरी में फर्टिलाइज किया जाता है, दोनों को आपस में मिलाया जाता है। तो ये प्रक्रिया नेचुरली बॉडी में होता है, लेकिन इसी को किसी कारणवश अगर हम लोग शरीर के बाहर करते हैं, किसी दूसरे टेस्ट ट्यूब में पहले किया जाता था, इसीलिए इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी पड़ गया। लेकिन अब टेस्ट ट्यूब में नहीं किया जाता, इसको डिश टाइप का प्लेट रहता है, कल्चर प्लेट बोलते हैं, उसमें मिलाया जाता है और उसके बाद 5 दिन तक बच्चे को उसी में वो ग्रो करता है, विकसित होता है। और जब 5 दिन के बाद वो जब अच्छा दिखने लगता है कि हाँ, यह उचित विकास उसका हो गया, तो फिर उसे औरत के यूट्रस में नीचे के ही रास्ते से डाल दिया जाता है। तो इसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया है, मतलब वो किस प्रकार होती है, इसका जो प्रोसेस है, मतलब किन तरह, मतलब कैसी जो महिलाएं होती हैं उनमें ये प्रक्रिया की जाती है। बेसिकली ये शुरू में स्टार्ट तो किया गया था इस ट्रीटमेंट को मेनली उन लोगों के लिए जिन लोगों का ट्यूब्स बंद है, इसलिए कि उन लोगों को कोई किसी भी हालत में बच्चा नहीं हो सकता था। लेकिन जैसे जैसे ये पॉपुलर होने लगा और ज़्यादा होने लगा, तब देखा गया कि और भी बहुत सारे कारण हैं, उसमें भी टेस्ट ट्यूब बेबी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि जिस पुरुष में वीर्य की मात्रा कम हो, जिन औरत में अंडों का विकास अच्छे से नहीं हो रहा हो, वह दूसरे से भी अंडे लेके कर सकती हैं। एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी होती है, उसमें अगर ज़्यादा वह उसका प्रभाव हो, या PCOD में भी अगर दवा से फ़ायदा नहीं हो रहा हो, तो ऐसी और अकारण बांझपन या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जिसको कहते हैं, ये भी एक बहुत कॉमन चीज़ हो गया है। प्लस कुछ लोग ऐसे कपल्स होते हैं जो कि आपस में बहुत कम मिल पाते हैं और बच्चा नहीं अगर ठहर रहा है, तो वो चाहते हैं कि जो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो वो किया जाए। तो टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसा इलाज है जिसमें कि सफलता के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इन सब कारणों में टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया की जाती है। सर, ये महिलाओं में या फिर सिर्फ पुरुष, मतलब सिर्फ महिलाओं में ही या फिर पुरुषों में भी ऐसे पाए जाते हैं, कंसीव ना करने का जो कोई रीज़न हो, मेन जो कुछ बात। देखिए, हमें आश्चर्य होता है कि ये बातें, मैं 20 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था, तब से हम लोग इस चीज़ की चर्चा बराबर करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये जो मिथ है, मिथक जिसको बोलते हैं, अभी भी है कि पुरुषों में के कारण कितना बांझपन होता है। तो ये उस समय भी बताया करता था और अभी भी इस बात को बताता हूँ कि लगभग 40% केसेस जो होते हैं जिन लोगों को बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो ऑलमोस्ट इक्वली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल पार्टनर्स भी, जिनकी कमी के चलते बच्चा होने में दिक्कत होता है। तो मतलब जैसे कि यहाँ पे बोला जाता है कि लोग की ज़्यादातर इसमें जो है सो महिलाओं को इसमें ये किया जाता है कि नहीं, उनकी वजह से ये बांझपन का जो केस होता है उनकी वजह से होता है इसमें, तो फिर ऐसा कोई रीज़न है कि मतलब कोई ख़ास तरीके की महिलाओं के साथ ही ये मतलब किया जाए, और मान लीजिए कि जो मतलब नॉर्मली प्रेग्नेंट हो सकती हैं लेकिन तो भी वो होना नहीं चाहती हैं, वो भी क्या इस प्रक्रिया को कर सकती हैं। देखिए, ये मिथक बनने का मेन कारण तो ये है कि बच्चा जब भी होगा तो औरत के ही पेट में होगा, पुरुष के पेट में होता नहीं है। तो इसीलिए बांझपन का जो बोझ होता है वो हमेशा स्त्री को ही उठाना पड़ता है, किसी दूसरे को पता रहता नहीं है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या समाज के लोगों को। लेकिन तभी भी पुरुष प्रधान बांझपन अगर हम लोग छोड़ भी दें, जो मैंने बताया कि 50% लोगों में, ऑलमोस्ट 40-50% कपल्स में मेल पार्टनर्स या तो टोटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं या पार्शियली रिस्पॉन्सिबल, आंशिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन ऐसी भी औरतें हैं जिन्हें बच्चा हो सकता है, बट अपने करियर की वजह से या कोई कारण हो कि पति से मन मुटाव है और वो चाहती हैं अपना प्रेगनेंसी पोस्टपोन करना, लेकिन उम्र के साथ साथ जो अंडों की गुणवत्ता में कमी आती है वो उससे भी बचना चाहती हैं, इसको सोशल फ्रीजिंग कहा जाता है। तो ऐसी महिलाएँ या काम अगर कर रही हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार्स के बारे में आपने देखा होगा कि उन लोगों ने भी टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लिया, तो वो ऐसी औरतें हैं कि वो प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम्स होता है 9 महीना या प्रेगनेंसी का जो रिस्क रहता है वो नहीं उठाना चाहती हैं, इसलिए कि उनका लाइफस्टाइल ऐसा है। तो ये एक लाइफस्टाइल के चलते भी एग्स का फ्रीज करना, सोशल फ्रीजिंग, अपने प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना लेकिन साथ साथ एग्स को बचाए रखना, ये एक रीज़न होता है। और दूसरा कि अगर काम में प्रेगनेंसी उसका इफेक्ट हो रहा है तो वो सरोगेसी के द्वारा दूसरी औरत में भी अपना खुद अंडों से प्रेगनेंसी कर सकती हैं। तो ये सब ऐसी औरतें हैं जिसमें कि नॉर्मली प्रेगनेंसी हो सकती है बट स्टिल वो लोग
IVF का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सर, इसका एक बात बताइए कि टेस्ट ट्यूब बेबी होने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, वो प्रोसेस जो होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रोसेस में हम लोग पहले स्त्री जो रहती है पहले तो, और पुरुष दोनों की जांच पहले कर ली जाती है कि कोई उनको दूसरा हार्मोनल प्रॉब्लम या फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर इसमें पाया जाता है कि वो लोग फिट हैं, प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए फिट हैं, तो फिर उनको दवा दी जाती है एग्स के विकास के लिए औरत को, साथ में पुरुष और स्त्री दोनों को कुछ दवाएं विटामिन की दी जाती है, उन्हें मना किया जाता है कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा बैलेंस डाइट लें, नशा का कोई भी वस्तु जैसे सिगरेट शराब आदि का सेवन नहीं करें, एक्सरसाइज करें, तो हेल्दी लाइफस्टाइल पहले से रखना अच्छा होता है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन वगैरह कर लेते हैं, शुगर को देख लेते हैं, शुगर थायराइड और ये सब चीज़ अगर ठीक रहता है तो उस औरत को हम लोग दवा देते हैं एग्स बनने वाली, और अल्ट्रासाउंड के द्वारा 10 दिन के बाद हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉपर एग्स डेवलप कर गए हैं कि नहीं, अगर वो डेवलप कर गए रहते हैं तो उनके फाइनल मैच्योरेशन के लिए एक दूसरी सुई दी जाती है, और जो एग का फाइनल मैच्योरेशन होता है वो 2 दिन के बाद होता है, उस दिन हम लोग उस एग्स को शरीर में औरत के शरीर से नीचे के ही रास्ते से सुई के द्वारा औरत को बेहोश करके सुई के ही द्वारा उस अंडों को बाहर निकाल लिया जाता है। उसी दिन पति जो रहता है वो अपना सीमेन जो देता है वो एक पात्र में देता है कंटेनर में, उस सीमेन को वॉश किया जाता है और उसमें से अच्छे बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म्स को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। इस स्पर्म्स को फिर हम लोग IVF में यूज़ करते हैं, जिसमें कि नॉर्मली अगर नॉर्मल जो IVF की प्रक्रिया कन्वेंशनल जो IVF था उसमें हर एग के लिए लगभग 1,00,000 स्पर्म डाला जाता था, अब एक नया टेक्नोलॉजी आया फिर बाद में उसके जिसको ICSI बोला जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उसमें एक एग के लिए अगर एक भी स्पर्म अगर रहे, स्पर्म की कमी हो और एक भी स्पर्म रहे तो उसके द्वारा प्रेगनेंसी हो सकता है, तो ICSI के द्वारा या IVF के द्वारा एग और स्पर्म को मिलाया जाता है और उसके बाद उसके डेवलपमेंट को हर दिन वो लैब में रखा जाता है ऐसे वातावरण में जो कि औरत के देह के अंदर का जो वातावरण हो उससे मिलता जुलता हो, उसी तरह का यूट्रस का जो वातावरण होता है उस मशीन को इंक्यूबेटर कहते हैं, उस इंक्यूबेटर में इस बच्चे को जो एग्स और स्पर्म को मिला है हम लोग उसमें रख देते हैं, और एक ऐसा मशीन है जिसमें कि बाहर से ही हम लोग हर 5-5 मिनट पर उस बच्चे की तस्वीर ले सकते हैं, उस मशीन को एम्ब्रियोस्कोप बोलते हैं, खास तरह का इंक्यूबेटर होता है, और हम लोग उसके पूरे विकास को देख सकते हैं कि इसका विकास नॉर्मल तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और तीसरे दिन हम लोग उस एम्ब्रियो को उस इंक्यूबेटर से निकाल के लेज़र शॉट्स के द्वारा उसके बाहरी आवरण में छोटे छोटे छिद्र बना देते हैं, होल्स बना देते हैं, जिससे कि अंदर से बच्चे को निकलने में आसानी हो, इसको लेज़र हैचिंग बोलते हैं, और फिर 3 दिन के बाद वापस उसको इंक्यूबेटर में डाल दिया जाता है लेज़र हैचिंग करके, फिर 2 दिन के बाद में जब उसको देख लिया जाता है कि जितने भी हम लोग एग्स निकाले थे और फर्टिलाइज किए थे और जिनका फर्टिलाइजेशन हो गया वो सेल्स डिवाइड करना शुरू कर दिया, सब अलग अलग ड्रॉपलेट्स में रखे रहते हैं, तो उसमें से जो बेस्ट क्वालिटी का जो एम्ब्रियो रहता है जिसका विकास सबसे अच्छी तरीके से हुआ, जो देखने में सबसे अच्छे तरीके का दिख रहा है, उसमें से बेस्ट क्वालिटी का 1, 2 या कभी कभी 3 एम्ब्रियोज़ को हम लोग उसमें से निकाल लेते हैं 5वें दिन, उस 5वें दिन जो एम्ब्रियो का स्थिति रहता है उसको ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है, अगर उसका विकास प्रॉपर 5 डेज का अगर विकास हुआ रहता है तो उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, इस ब्लास्टोसिस्ट को हम लोग फिर से एक छोटे पतला नली जैसा चीज़ रहता है, ये एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर होता है, तो एक बहुत ही मुलायम ये नली रहती है, इसी में उस एम्ब्रियोज़ को लेकर फिर वापस यूट्रस में हम लोग औरत के डाल देते हैं, तो इस डालने के बाद में वो एम्ब्रियो जो है वक्त कितना लगता है इसमें 10 दिन से लेके 1 महीना तक का भी टाइम लग सकता है, और 15 दिन के बाद पता चलता है कि रिजल्ट आया कि नहीं आया, पॉजिटिव आया कि नहीं आया, और जो एम्ब्रियोज जो बाकी बचे रहते हैं अच्छे क्वालिटी के, इन एम्ब्रियोज को हम लोग फ्रीज करके भी रख सकते हैं, एक खास पद्धति होती है जिससे कि ये एम्ब्रियोज मरते नहीं और उसको -173 डिग्री पर हम लोग जमा करके रख सकते हैं, कितने दिनों तक ये कोई समय की कोई सीमा नहीं है, 5 साल 10 साल तक भी वो बच्चे उसी तरह से उसी स्टेज में रहते हैं, और अगर प्रेगनेंसी होता है या नहीं होता है और दोबारा प्रेगनेंसी चाहिए तो ये उसके पहले वाले प्रोसेस से हम लोग बच सकते हैं, जिसको एग पिकअप कहते हैं वो नहीं करना पड़ता है, और सीधे इन एम्ब्रियोज को हम लोग लेके वापस केवल डाल देना रहता है। अच्छा, नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो 9 मंथ लगते हैं, तो इस प्रेगनेंसी में मतलब कितने मंथ लग जाएंगे? देखिए, प्रेगनेंसी ये भी 9 ही महीना का होता है, इस प्रेगनेंसी में और दूसरे किसी प्रेगनेंसी के काल मैंने टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं होता है, वो भी उतना ही दिन का रहता है। प्रेगनेंसी मतलब अगर ओवरी के अंदर अगर अंडा मतलब ये हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उसके बाद उससे पहले जो जब तक आप अंदर नहीं डाल रहे उसमें कितना वक्त लगता है? उसमें लगभग 10 से 15 दिन टाइम लगता है। अच्छा, इसको कोई नुकसान साइड इफेक्ट वगैरह या फिर मेरिट या डिमेरिट कुछ नहीं? इसमें तो मेरिट है, इसलिए कि बहुत औरत की ज़िंदगी जो होती है जब तक हम लोग का समाज और बाहर में भी और ऐसे भी अपने खुद इंडिविजुअल बेसिस पे भी अगर देखा जाए जब तक बच्चे नहीं रहते हैं तब तक सुनापन वो जो रहता है वो नहीं उसका कोई दूसरा उपाय जल्दी आसान नहीं होना, और सामाजिक प्रॉब्लम तो है ही हम लोग के देश में, तो ये बच्चा होना और हर आदमी वो केवल औरत ही नहीं कोई पुरुष भी चाहेगा मदर
मदर फादर दादा दादी भाई इवन जिन लोगों को बच्चे हो गए रहते हैं वे बच्चे तंग करते हैं कि नहीं हमको और भाई बहन चाहिए और इसके लिए मैंने जिद करके आते हैं जबकि पेरेंट्स नहीं चाहते हैं और बच्चे, तो बहुत सारा ये सब कारण रहता है जिसके चलते बच्चा होना ज़रूरी होता है और इसमें कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट जो होता है उसका संभावना बहुत कम रहता है। हम लोग इतने साल के 20 साल के अपने प्रैक्टिस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी पेशेंट को की जान गई हो या इस तरह का हो। हार्डली 2-3 पेशेंट में अभी तक हुआ है जिनको कि हॉस्पिटलाइज करके रखना पड़ा। कितने मतलब कितनी अभी तक सफल, मतलब मान लीजिए अगर 10 महिलाएं ये कर रही हैं उसमें से कितनी महिलाएं सफल होती हैं इस प्रेगनेंसी में? 10 में 10 हो जाती हैं लेकिन उनका समय देना पड़ेगा। पर साइकिल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पर साइकिल अगेन वो किस एज की महिला है, किस कारण से किया जा रहा है, बहुत सारा फैक्टर्स होता है, बट एवरेज 30-40% चांस हर एक अटेम्प्ट में होता है। तो अगर किसी को एक अटेम्प्ट में नहीं भी होता है तो 2-3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट आते आते 90% से ज़्यादा लोगों को बच्चा ठहर जाता अच्छा, है। अच्छा, ये मतलब मान लीजिए कि एक महिला अगर एक बार करवा ले रही है ये टेस्ट ट्यूब बेबी, तो वो कितनी बार ये प्रक्रिया को दोहरा सकती है? इसके भी कोई सीमा नहीं है, मेडिकल कोई सीमा नहीं है, वो चाहे तो जितना बार भी चाहे वो इस चीज़ को करवा सकती हैं। उस बच्चे का जो फ्यूचर होता है, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं जो नॉर्मल प्रेगनेंसी से बच्चे होते हैं वो, और जो टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे होते हैं उनकी जो फ्यूचर होती है वो कैसी होती है? अभी जो सबसे पहला जो IVF बेबी हुआ था वो अभी लगभग 40-45 साल का है, लुईस ब्राउन जो थी, तो उस अभी हम लोग का उतना ही दिन का फॉलोअप है ये जो हिस्ट्री IVF की है। तो अभी तक में कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला है कि वो औरत और दूसरे जो होते हैं बच्चे या वे बच्चे जो IVF से पैदा होते हैं उनका किसी भी तरीका का कोई डिफेक्ट होता है। उसकी छोटी बहन भी, फर्स्ट बेबी की भी छोटी बहन IVF से ही पैदा हुई थी और उसको खुद नेचुरल प्रेगनेंसी अब हो चुका है, तो अभी तक इतनी जानकारी है कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं दिखा। अच्छा सर, एक बात बताइए, मतलब ये इसमें जो है टेस्ट ट्यूब बेबी में, तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, तो जो आम लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए कोई उपाय? देखिए, ऐसा कोई मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो IVF अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि गरीब से गरीब लोग IVF के समय भले ही पैसा के लिए कितना भी रोता हो और जब बच्चा होता है उसके बाद उसका छठी जब बनाता है तो उसे दुगुना ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करता है। तो ये सब मिथ है, लोगों के पास ऐसा नहीं है कि IVF इतना महंगा होता है कि वो करा नहीं सके। और बच्चा अगर हो जाता है, मैं हमेशा उन लोग से यही पूछता हूँ, ऐसा नहीं है कि बच्चा होने के बाद खर्च खत्म हो जाएगा, बच्चा को पालना IVF कराने से 10 गुना ज़्यादा महंगा होता है, उसको तो ज़िंदगी भर खर्च होगा। तो अगर कोई कपल ऐसा है जो कि बच्चा को पाल नहीं सकता है तो उसको बच्चा पैदा करने का भी अधिकार नहीं है। नहीं, जैसे कि लोगों का कहना है ना कि नॉर्मली अगर प्रेगनेंसी मेरी हो रही है तो वो बहुत अच्छे से है, उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता, लेकिन अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी करवा रहे हैं तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो जो लोग मतलब थोड़ी भी मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ा भी नहीं, उनके लिए कोई ये नहीं है जो आप वहाँ जाके वो करवा सके जो सक्षम नहीं हो? हाँ, इसके लिए सरकारी स्तर पे होता है, इसलिए कि हम लोग डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, अपने इंडिविजुअल लेवल से बहुत लोगों को हम लोग जो डिस्काउंट होता है वो करते हैं, लेकिन ये तो सरकार का काम है ये सब देखना, है ना। सक्षमता में खाना पीना भी जैसे भूख जैसे नहीं लगता है तो उसकी जिम्मेवारी आखिर सरकार लेती है, उसी तरह इलाज की भी सरकार जिम्मेवारी लेती है, सरकार टैक्स लेती है, तो ये सब प्रोवाइड करना है उसको, सरकार को प्रोवाइड करना चाहिए। डॉक्टर को ये धर्मशाला वगैरह टाइप का चीज़ नहीं रहता है जहाँ पे कि, इसलिए कि वो उसमें खर्च इतना लगता है, उसमें सामान इतना लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर को खुद अपना भी करना रहेगा तो उसका भी उतना रुपया खर्च होने वाला है, तो उसके लिए बने हुए हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, जो आर्मी के लोग हैं, उसी तरह ESI में काम करने वाले जो भी ESI से संबंधित संस्था है, इन सभी लोगों को 2-3 साइकिल IVF मुफ्त करने की सुविधा उपलब्ध है, उनसे अटैच जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके अलावा बिहार में भी और भारत में भी बहुत सारे, जैसे एम्स है दिल्ली में, वहाँ पे फ्री में डॉक्टर्स फीस नहीं लेते हैं लेकिन वहाँ पे भी 60-70 हज़ार रुपया खर्च लगता है पेशेंट्स को। तो ये एक सामाजिक ये प्रॉब्लम है, इसके लिए इसका हल जो है इंडिविजुअल बेसिस पे निकालना होगा और सरकार को निकालना होगा। और सर, एक बात बताइए, मतलब ये खास कोई किसी को कोई खास बीमारी वगैरह हो जो जिस महिलाओं को, वो मतलब कौन से ऐसी कोई बीमारी है जो वो ये टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसेस नहीं कर सकती हैं? जिन लोगों का मान लीजिए कार्डियक फेलियर टाइप की पेशेंट हो, जो इसीलिए फिजिकल फिटनेस मैंने शुरू में ही बताया कि IVF स्टार्ट करने के पहले हम लोग देखते हैं
कि फिजिकली फिट है कि नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है, इसलिए कि बीमारी बच्चे को ट्रांसमिट हो सकती है अगर जेनेटिक कोई रोग हो, अगर वो औरत खुद कमज़ोर हो, बेड रिडन हो, माने बिस्तर पे पड़ी हुई, उसका हार्ट बहुत कमज़ोर हो, प्रेगनेंसी बॉडी पे लोड देता है, तो इस तरह की औरतों में IVF कराना जो कि फिजिकली फिट नहीं हो, प्रेगनेंसी कैरी के लिए फिट नहीं हो, उन्हें नहीं किया जाता है। तो इस तरह, और लेकिन इन लोगों में भी एक उपाय होता है जिसको सरोगेसी कहते हैं। सरोगेसी इसी तरह की औरत के लिए बना है, उसमें अंडा निकालने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। मतलब जो बेड रेस्ट वगैरह हो सिर्फ वो लोग, या फिर कोई खास बीमारी भी हो जैसे थायराइड हो, डायबिटिक हो, ये सब अगर, थायराइड और डायबिटीज़ बहुत कॉमन बीमारी है, आम बीमारी है, लगभग 20-30% मरीजों में हम लोग के यहाँ देखी जाती है जो लोग आते हैं इलाज के लिए, और उसको अगर कंट्रोल्ड है, वेल कंट्रोल्ड शुगर है, वेल कंट्रोल्ड थायराइड है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं हो तो बिना प्रेगनेंसी के भी ये दवाई, ये सब बीमारियाँ जो होती हैं वो शरीर को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती हैं। अच्छा, टेस्ट ट्यूब बेबी की अगर हम करवा रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है? टेस्ट ट्यूब बेबी, अगेन ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग सोचते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी कराने के बाद से बेड रेस्ट में रहना चाहिए और काम नहीं करना चाहिए, बहुत लोग हिलते डुलते भी नहीं हैं, और इसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स भी दोषी हैं जो कि इस तरह का एडवाइस देते हैं बिना किसी साइंटिफिक एविडेंस के। तो इस तरह का कोई बात नहीं है, किसी भी तरह के इस सावधानी बरतने से प्रेगनेंसी के चांसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि आप बाकी लोगों को अगर जो देखिए जिन्हें नॉर्मल प्रेगनेंसी होते रहता है, उन्हें पता भी नहीं रहता है कि कब प्रेगनेंसी हुआ, IVF में तो पता रहता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया गया और उसके बाद वो प्रिकॉशन लेते हैं, बट नेचुरल जो प्रेगनेंसी होती है उसमें पता नहीं रहता है औरत को, और उसके बावजूद हर तरह की एक्टिविटी चलते रहती है और प्रेगनेंसी को उससे हार्म नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ किए गए हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ भी, जिसमें कि कंपेयर किया गया उन औरतों को जो इलाज कराने के बाद अस्पताल में रह गई, उन औरतों को जो इलाज के बाद घर जाके कंप्लीट बेड रेस्ट में रह गई, और उन औरतों को जो इलाज के बाद अपना जाके काम ज्वाइन कर ली। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो लोग अपना काम ज्वाइन कर लिया उन लोग में प्रेगनेंसी रेट सबसे ज़्यादा था, और सबसे कम प्रेगनेंसी रेट उन लोग में था जो कि घर अस्पताल में ही एडमिट रह के सोची कि यहीं पर सबसे ज़्यादा सुविधा मिलेगी। तो ये एक मिथक है, कोई चीज़ की मनाही नहीं रहती, औरत अपना सब काम कर सकती है और उससे प्रेगनेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि जो नॉर्मली प्रेगनेंसी होती है उसमें, और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रेगनेंसी जो होती है औरतें उसमें, वो नॉर्मल लाइफ अपना जी सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है प्रेगनेंसी के दौरान भी और प्रेगनेंसी के बाद भी। जी बिल्कुल सही है ये बात, ये बिल्कुल सही। तो अपना लाइफ इस कार्यक्रम में डॉक्टर हिमांशु राय से हम जाने कि टेस्ट ट्यूब बेबी के क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.